दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्त लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे भैया पीएनपी का क्या कुछ आंकड़ा निकल कर आया है। कल आप सभी के जो थर्ड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी किया गया है, तो कल से ही आपके कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार कितने सीटें अभी तक भरी जा चुकी हैं। आपको पता है 1 से 1.5 लाख तक के अभ्यर्थियों का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी किया गया। 1 से 1.5 लाख तक के अभ्यर्थियों में कितनी सीटें भर गई टोटल जो है और कितनी खाली हैं, कितने का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है पीएनपी ने जारी किया आंकड़ा रैंक 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थियों का विवरण। इस वीडियो में हम साझा करेंगे टोटल जितने भी काउंसलिंग आपकी हुई है कल तक, यानी 1 से टोटल 1.5 लाख तक के अभ्यर्थियों का संपूर्ण डाटा हम आपके बीच में दिखाएंगे। यहां देख पा रहे हैं हालांकि जो 80,000 से 1.5 लाख तक की जो काउंसलिंग हुई इसमें जो है स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो 28,000 जो है 517 अभ्यर्थियों को ही जो कॉलेज का आवंटन है वो हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको पता है डीएलएड वर्सेस बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा है उसके फाइनल होने के बाद आवेदन की स्थिति जिस तरह से दिखाई दे रही थी, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि अब की बार जो सीटों का विवरण है वो पूरी तरह से फुल होता हुआ चला जाएगा, यानी 2,33,350 सीटों पर वर्तमान समय में प्रवेश हो रहा है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि महज 1.5 लाख वे अभ्यर्थियों का जो एडमिशन है वो हो पाना कॉलेज वालों के लिए मुश्किल हो चुका है। कॉलेज वाले अभी तक पीएनपी का चक्कर मान्यता लेने के लिए लगा रहे हैं कि मुझे भी एडमिशन का अवसर मिल जाए, लेकिन आज की वो ये अपडेट्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो दौड़ रहे हैं मान्यता के लिए वो भी पीछे हट जाएंगे। डीएलएड की स्थिति फिर से एक बार चरमरा गई है। बीएड भले ही बाहर हो चुका है, अधिकतर इसमें बीएड वाले भी आ चुके हैं, लेकिन बीएड के बाहर होने से कोई भी फर्क नजर नहीं आया। लेकिन जब आपके आवेदन हो रहे थे तो आवेदन के समय ऐसी स्थिति थी कि अब की बार 2,33,350 सीटें एकदम पूरी तरह से फुल हो जाएंगे, इसमें 1% चांसेस नहीं नजर जताए जा रहे थे। लेकिन फाइनली आप स्थिति को देख पा रहे हैं, यहां टोटल जो है अभी तक हम बात करें तो 28,517 को ही कॉलेज आवंटित हुआ है। नीचे यहां देख पा रहे हैं इसी में यानी 80,000 से 1.5 लाख तक के अभ्यर्थियों में 1,373 फॉर्म हुए रिजेक्ट, 1,373 अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा है जो इनका फाइनली कॉलेज अलॉटमेंट या कहा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया, वो पीएनपी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया 5,000 रुपया लेकर। ठीक है, ये पूरी तरह से फ्रॉडबाजी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ये समझना चाहिए भाई जब हमें रिजेक्ट करना है तो पहले से हम रिजेक्ट कर दें। यहां देखिए अभी तक टोटल का आंकड़ा दिया जा रहा है सिर्फ 60,841 सीटें आवंटित, यानी टोटल 1 से 1.5 लाख तक के अभ्यर्थियों में सिर्फ 60,841 अभ्यर्थियों को जो है वो कॉलेज आवंटन हो चुका, जिसमें डाइट की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। एडमिशन की स्थिति फिर गड़बड़, सेकेंड फेज के लिए खुशखबरी, नहीं भरेंगी सीटें, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको पता है चैनल के माध्यम से डीएलएड के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में जो कहा जा रहा है, सबसे पहले हम एक अपडेट्स आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये अपडेट्स आपके बीच में लगी है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीएलएड की 60,841 सीटें आवंटित, 5 तक विकल्प किसे भरना है 2,40,000 तक, यानी अगर आप 1 से 2,40,000 तक जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो फिर से इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, बट 2,40,000 के ऊपर के अभ्यर्थी नहीं जाएंगे। ठीक है,
इस चीज को नोट करिएगा। अब पेमेंट किसे करना है 5,000, अब आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर आप भी पेमेंट कर दीजिए तो ये गलत है, आप पेमेंट मत करिएगा, आप सेकंड फेज का इंतजार करें 100%। अब तो ये क्लियर हो चुका है कि सेकंड फेज की काउंसलिंग 101% होगी मेरे दोस्त। आप तनिक भी अपने अंदर अभी तक जो भी झिझकपन था वो निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग में संस्थान का विकल्प चुनने का अंतिम दौर शनिवार से शुरू हो गया। इसमें स्टेट रैंक 1,50,000 से 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी सम्मिलित होने का मौका दिया गया है। इसके साथ ही स्टेट रैंक 1 से 1.5 लाख वाले रैंक के वह अभ्यर्थी विकल्प भरेंगे जो अब तक विकल्प नहीं भर पाए हैं या जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है। अब तक 3 चक्र में 2,26,000, फिर देखिए यहाँ आंकड़ा गड़बड़ दिया गया, 2,33,000 है। सीटों के सापेक्ष 60,841 अभ्यर्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार प्रथम चरण के तीसरे चक्र की काउंसलिंग जो है तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के 10,600 सीटों के सापेक्ष 9,089 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की जा चुकी हैं। इसके अलावा निजी संस्थानों में 51,572, ध्यान दीजिएगा डायट की अभी सीटें आपकी टोटल फुल नहीं हुई हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 9,089 अभ्यर्थियों को सिर्फ डायट अलॉट हुआ है, बाकी आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण कैसे चेक करेंगे, जो डायट खाली हैं या प्राइवेट खाली हैं। तो मैंने विद प्रूफ के साथ आपके बीच में वीडियो बनाया है, बाबू आप वीडियो की लिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर वह वीडियो पड़ी मिली है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सीटों का विवरण चेक करेंगे। आपको अगर डायट चाहिए तो आप सीटों का विवरण देख लीजिए और चले जाइए साइबर कैब पर या घर से, जैसे भी आप जो है चॉइस फिलिंग लॉक कर रहे हैं आप लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायट मिल जाएगा भले ही आपकी रैंक 2,40,000 है। अब आप कह रहे थे कि भैया 2,40,000 वालों को नहीं मिलेगा, ये तो आप कह रहे थे, हाँ ये मैं कह रहा था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि डीएलएड की जो स्थिति फिर से एक बार नजर आ रही है, 1.5 लाख तक की काउंसलिंग हुई है जिसमें सिर्फ 60,000 अभ्यर्थियों को जो है कॉलेज आवंटन किया गया था, ये उम्मीदें नहीं थे, इस उम्मीदों पर कहा जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2,40,000 वालों को भी डायट मिल सकता है, ये डीएलएड के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कहा जा रहा है 51,000 को सीटें आवंटित हो चुका है, शेष बची सीटों के लिए अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे जिन्हें 6 अक्टूबर को संस्थान आवंटित किया जाएगा। इस तरह चौथे चक्र तक जिन अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित कर दिया जाएगा वह सभी आवंटित संस्थान में 15 अक्टूबर तक अभिलेखी को जांच कराने के साथ प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। प्रवेश की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हुई है। इस तरह प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट या UPDLED जो है government.in पर 17 अक्टूबर तक लॉक की जा सकेगी। ध्यान दीजिएगा, आप 5,000 रुपए पेमेंट करने की बातें कर रहे थे कि हम कब तक कर सकते हैं, तो 5,000 रुपए का पेमेंट महज आप 3 अक्टूबर तक कर सकते हैं, इसे भी आप नोट करिएगा, ठीक है। कौन सा 5,000 पेमेंट, मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो जो है काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब भैया 3 तारीख तक नहीं जमा करेंगे तो आप 4th राउंड में कैसे भाग लेंगे, नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल 5,000 रुपया पहले पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप काउंसलिंग प्रक्रिया करा लीजिए। यहां देखिए, हालांकि इसमें भी वही चीज़ें, डीएलएड की 60,841 सीटें आवंटित शेष के लिए 5 तक मौका, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश प्रथम चरण की काउंसलिंग संस्थान विकल्प चुनने का अंतिम दौर शनिवार से शुरू हो गया। स्टेट रैंक 1,50,000 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का मौका दिया गया है। साथ ही स्टेट रैंक से 1.5 लाख रैंक वाले वह अभ्यर्थी भी विकल्प भर सकेंगे जो अब तक विकल्प भर नहीं पाए हैं या जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है। अब तक 3 चक्र में कुल 2,26,000, यहां भी गलत है, जो है 60,841 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो चुके हैं। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी यहां देख पा रहे हैं, फिर से वही चीजें कही जा रही हैं, 9,089 अभ्यर्थियों को जो है डायट अलॉट हुआ है, और यहां देखिए प्राइवेट 51,572 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, ये प्राइवेट की बात कही जा रही। अब यहां रिजेक्ट के बारे में आप कह रहे थे कि रिजेक्ट कहां
आंकड़ा नहीं दिया गया। हाँ, इसमें सही है, रिजेक्ट का आंकड़ा नहीं दिया गया, लेकिन 1373 फॉर्म जो है इस बार ये थर्ड फेज की काउंसलिंग में जो है रिजेक्ट किए गए हैं। अब यहाँ 60,000 ये तो मैंने बता दिया, एडमिशन की स्थिति फिर से गड़बड़ हुई है, नहीं भरेंगी सीटें। अगर इसी तरह से डीएलएड की स्थिति रही तो इस बार भी सीटें भरने के जो चांसेस कहे जा रहे थे वो चांस सिर्फ चांस ही होकर रह जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग डायरेक्ट एडमिशन के फेवर में जा रहे हैं, जिनकी रैंक 240,000 के ऊपर है, ठीक है, और वो सेकंड फेज काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, मैं फिर से कहूंगा कि प्लीज आप अब डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत जाइए। ठीक है, इस वीडियो को आप थोड़ा सा बहुत शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि और लोगों तक जा सके, जो लोग डायरेक्ट एडमिशन के दौर में फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, ताकि वो बच जाएं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप डायरेक्ट एडमिशन के फेवर में ना जाएं। सेकंड फेज के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है कि सीटें नहीं भर रही हैं, आपको भी चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा और आप सभी को भी मनचाहा कॉलेज मिलेगा, आप किसी कॉलेज के चक्कर में मत पड़िएगा भी। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।